हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस। सो आज हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इस चैप्टर को समझने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट प्राइस क्या है ये हम करेंगे, और सेलिंग प्राइस। जब भी हम कोई भी चीज, लाइक मैं एक शॉपकीपर हूं, ठीक है, तो मैं एक होलसेल मार्केट से कोई भी चीज बाय करती हूँ, तो उसकी वैल्यू जो है मेरे पास, वो हमारे मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। मैंने होलसेल मार्केट से ये टॉय गन बाय की, वहां से मैंने ये बाय की 300 में। सो इसका मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ गन इज इक्वल टू रुपीज 300, और मैंने उसको अपने स्टोर पर लाकर कस्टमर को सेल किया कितने में, रुपीज 500 में। तो मेरे पास हो गया सेलिंग प्राइस, मींस मैंने सेल कर दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, वो गया रुपीज 500। जो चीज मैंने होलसेल मार्केट से बाय की वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, उसको मैंने आगे सेल किया, फर्दर मैंने उसको सेल कर दिया, मैंने बाय की वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, और मैं सेल कर रही हूं, तो वो मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से। सेम अगर मेरे पास मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं मार्कर बाय कर रही हूँ, लेट मी टेक टू मार्कर्स। मैंने एक मार्कर वहां से लिया है रुपीज 5 का, और मैं मार्केट से उसको होलसेल मार्केट से मैंने कितने में लिया है, रुपीज 5, और मैंने इसको मार्कर की कॉस्ट मेरे पास क्या बनी, रुपीज 5, और मैंने इसको लाकर कस्टमर को अगेन, इसको मैंने कस्टमर को मैं बेच रही हूँ कितने पर, रुपीज 10। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रुपीज 10 हो गया सेलिंग प्राइस, मैंने इसको कस्टमर को दिया है, और जो मैंने खुद बाय किया होलसेल मार्केट से वो मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। जब भी हम कोई भी चीज होलसेल मार्केट से या फैक्ट्री से हम लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। एंड जब भी हम कोई भी चीज अगर वहां से लाकर हम कस्टमर को सेल करते हैं उस चीज को, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो क्या हो गया, रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, जो मैंने परचेज किया इज कॉल्ड सीपी, मीन्स कॉस्ट प्राइस। रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, मैंने जब परचेज किया तो मेरे पास बन गया कॉस्ट प्राइस, और मैंने जब उसको सोल्ड किया, सेल किया, तो वो मेरे पास बन गया सेलिंग प्राइस, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस एसपी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, थैंक यू।